गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. क्लास सिक्स्थ इंग्लिश रीडर लास्ट चैप्टर दैट इज फर्स्ट चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज टेरोज रिवॉर्ड. इफ वी विल सी पंक्चुएशन. हमने कल पढ़ा था पिछले वेबिनार में पैराग्राफ. आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. मैं पैराग्राफ का भी एग्जाम्पल दूंगा. उसके पहले हम पंक्चुएशन. पंक्चुएशन मीन्स कहाँ हमको कॉमा लगाना है. सिंपल, वी स्टार्ट विथ पंक्चुएट. यूज कॉमा वेर एवर रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जहां भी आपको लगता है वहां कॉमा लगा सकते. पहला है माई फ्रेंड्स फादर हु हैड गॉन टू लंडन लास्ट मंथ हैज कम बैक. मेरे दोस्त के पिता जो लंदन गए थे पिछले महीने वापिस आ गए. तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कहा माई फ्रेंड्स फादर, फिर थोड़ा सा रुका हूं माई फ्रेंड्स फादर सुकोमा हु हैड गॉन टू लंदन लास्ट मंथ. हु हैड गॉन टू लंदन लास्ट मंथ हैज कम बैक. तो मैं यहां लगूंगा कॉमा माई फ्रेंड्स फादर. राइट, मेरे दोस्त के पिता जो कि हु हैड गॉन टू लंदन. सेकेंड इज अ रिक्वेस्ट. अनिल प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अनिल प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. हम अनिल के बाद लगा सकते हैं. थर्ड, शी इज अ टीचर नॉट एन अकाउंटेंट. शी इज अ टीचर नॉट एन अकाउंटेंट. वह स्कूल वह शिक्षिका है, लेखाकार नहीं. अकाउंटेंट मतलब लेखाकार जो फीस लेता है पैसे काटता है. तो शी इज अ टीचर कॉमा नॉट एन अकाउंटेंट. नेक्स्ट ये जो है फोर्थ वन, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर नितिन. अगर हम देखें तो हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर नितिन, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर नितिन. अगर हम यहां नहीं भी लगाए तो काम चल जाएगा. इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज आप व्हाट आर यू लुकिंग फॉर नितिन, आप नितिन के लिए क्या देख रहे हो. फिफ्थ, इन द एंड ऑल ऑफ देम एग्री टू सनाज आइडिया. इन द एंड और अंत में सभी लोग ऑल ऑफ देम वे सभी एग्री तैयार हो गए सना के आइडिया पर या उसके कहने पर. तो इन द एंड कॉमा ऑल ऑफ देम एग्री टू सनाज आइडिया. इन द एंड और अंत में वे सभी एग्री सहमत हो गए सना के विचार पर. नेक्स्ट, यस ही इज गोइंग टू बेंगलुरु टुमारो. यस ही इज गोइंग टू बेंगलुरु टुमारो. हाँ वह कल बेंगलुरु जा रहा है. यस ही इज गोइंग टू बेंगलुरु टुमारो. इसके बाद कॉमा यहां पर इन द एंड कॉमा ऑल आर एग्रीड ऑल ऑफ देम एग्रीड विद सना आइडिया टू सना आइडिया. स्नेहा द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल. स्नेहा द हेड गर्ल ऑफ अवर स्कूल इज अ ब्राइट स्टूडेंट. इज अ ब्राइट स्टूडेंट. ओके, सो यू कैन यूज मेनी पंक्चुएशन. यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स टू गेट अंडरस्टैंड टू इक्वेट समझने के लिए कि हमें कहां पर पंक्चुएशन का उपयोग करना है. अब हम बात कर रहे थे पैराग्राफ की. हमारा जो पैराग्राफ राइटिंग था कल हमने पढ़ लिया था इसे वेबिनार में कि पैराग्राफ राइटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे पहला होता है टाइटल, फिर रिलेवेंट मीनिंग, फिर गुड एंडिंग, फिर कंक्लूजन. तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. हम पैराग्राफ राइटिंग में एक टॉपिक लिया है स्कूल SCHOO 1, 2, 3, 4 and 5. 50 words. How many words limit they have given? हमें कितना word limit दिए? 50. हमें सीमा दी है, इससे ज्यादा हमको नहीं जाना है. चलिए हमने पढ़ा इसको. जैसे हम ऐसे लिखते हैं उसी का एक शॉर्ट फॉर्म होता है. तो सबसे पहले मैंने जो स्कूल था जो उसको और ज्यादा अच्छा टाइटल देने के लिए मैंने उसको दे दिया माई स्कूल. ये मेरा टाइटल हो गया माई स्कूल. अब मैंने लिखा माई एकेडमिक
सेंटर नेम इज, माय एकेडमिक सेंटर नेम इज विनायक एकेडमी, विनायक एकेडमी। सी, मैंने आपसे कहा था हम ये स्कूल लिख सकते हैं, बट कॉमन बच्चे जो हैं दूसरे स्कूलों के वो लिखेंगे माय स्कूल नेम इज नैक एकेडमी, लेकिन मैं लिख रहा हूँ माय एकेडमिक सेंटर नेम इज नैक एकेडमी। एकेडमिक सेंटर मतलब जहां पर मैं एकेडमी प्राप्त कर रहा हूँ, क्योंकि हमने विनायक स्कूल नहीं लिखा है, विनायक एकेडमी लिया है स्कूल की जगह। तो हम भी स्कूल की जगह एक नया वर्ड यूज कर सकते हैं, विनायक एकेडमी। इन द एकेडमी all teachers are very kind and knowledgeable, 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 simple। क्या लिखा मैंने, in the academy, not in my school, in the academy all teachers are very kind, मतलब दयालु है, बहुत अच्छे हैं, and knowledgeable, बहुत ज्ञान पुरुष है, ज्ञान महिला, मतलब जिनको कहते हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार है, विजडम नॉलेज। फर्स्ट, माय एकेडमिक सेंटर नेम इज विनायक एकेडमी, नॉट स्कूल, स्कूल पुराना हो गया, एकेडमिक सेंटर। एंड इन द एकेडमी ऑल द टीचर्स आर वेरी काइंड एंड नॉलेजेबल। आई लाइक माय सेंटर और माय एकेडमिक सेंटर बिकॉज ऑफ BECAUSE, because of many reasons, because of many reasons I like my academy or I like my center because of many reasons। कई कारणों से मैं मेरे स्कूल को, मैं मेरे एकेडमिक सेंटर को बहुत पसंद करता हूँ। नेक्स्ट, अब देखिए हम रिलेवेंट लिख रहे हैं, हम ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ स्थित है इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ओके ये एक छोटा सा पार्ट है, ये हम ले दे सकते हैं, है ना, स्ट्रक्चर। लेकिन मेन चीज हमारा जो नॉलेज है, जहाँ से हमारे बच्चे ज़्यादातर अच्छे परसेंटेज से निकलते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है ना, तो हम लिख सकते हैं एवरी ईयर, एवरी ईयर सेंटर हैज गिवन best result, every year center has given best result, हर साल center ने, विनायक एकेडमी ने, मेरे स्कूल ने, my center, every year my center has given best result, हर साल बहुत अच्छा, बहुत उत्तम परिणाम दिया है, right? I say, yeah, I would like to say, मैं कहना चाहूंगा that I have learned many things at my academy. I would like to say, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको कहना चाहूँगा, है ना, या मैं आपको suggest करना चाहूँगा, I would like to feel, मैं ऐसा महसूस करूँगा या कर रहा हूँ, I would like to say, मैं आपको बताना चाहूँगा कि that, कि I have learned, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, I have learned many things, बहुत सारी चीज़ें सीखी है my center, right? It means not only academic, आपने यहाँ many things लिख दिया, इसका मतलब केवल पढ़ाई नहीं, not only academic, overall development, overall development, overall development का मतलब होता है ना सर्वांगीण विकास, पूर्ण विकास, games में भी, dance में भी, drama में, music में, discipline में, फिजिकल ट्रेनिंग में, परेड में, वाद विवाद में, डिस्कशन में, पोएट्री में, तो
आप कह सकते हैं कि मैंने सिर्फ एकेडमिक पार्टी मेरा स्ट्रांग नहीं हुआ है, सिर्फ एकेडमिक पार्टी स्ट्रांग नहीं हुआ है, बल्कि मेरे ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो गई, स्पीकिंग बहुत अच्छी हो गई, आई एम अ डिसिप्लिन बॉय, अब मैं बहुत अनुशासित हो गया हूँ, घर में भी मैं वैसा ही रहता हूँ जैसा मैं स्कूल में रहता हूँ। तो अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया बेटा, रिलीवेंट वर्ड्स लिखे, मुझे टॉपिक दिया था स्कूल, मैंने उसका टाइटल बना दिया माई स्कूल और माई एकेडमी, आपने लिखा माई एकेडमिक सेंटर नेम इज माई स्कूल नेम, पुराना हो गया तो हम थोड़ा सा उसको स्मार्टली चेंज कर रहे हैं, माई एकेडमिक सेंटर नेम इज विनायक एकेडमी, राइट। सेकेंड, इन द एकेडमी ऑल टीचर्स आर वेरी काइंड एंड नॉलेजेबल, यहाँ पर आपने देखी टीचर्स की जो तारीफ करनी थी, जो एक तरीका था वो ये था कि वह नॉलेजेबल भी है, ज्ञान भी बहुत है उनको, और साथ में बहुत व्यवहार में बहुत अच्छे हैं। थर्ड, आई लाइक माई सेंटर बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स, मैं मेरे सेंटर्स पर बहुत पसंद करता हूँ, उसका एक कारण नहीं, उसके बहुत सारे कारण हैं। एवरी ईयर सेंटर हैज गिवन और सेंटर हैज प्रोड्यूस्ड, दोनों लिख सकते दिया है या जिसको बोलते हैं बनाते हैं, पैदा करते हैं ना अपन, इस साल इतने फर्स्ट क्लास, इतने टॉप, इतने मेरिट। सो एवरी ईयर सेंटर हैज गिवन बेस्ट रिजल्ट, एवरी ईयर सेंटर हैज गिवन बेस्ट रिजल्ट, हर साल सेंटर ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया एकेडमिक सेंटर। आई वुड लाइक टू से, अब हम क्या कर रहे हैं कंक्लूजन, हमने बोला था ना एंडिंग करना है, हमने 5 पॉइंट लगाए थे कि पैराग्राफ का टाइटल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल लाइन होना चाहिए, राइट। फिर एंडिंग मस्ट बी वेरी नाइसली विथ अ गुड कंक्लूजन कि आई वुड लाइक टू से, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको कहना चाहूँगा दैट आई हैव लर्न मेनी थिंग्स, मैंने मेरी अकेडमी में, माई अकेडमी, मैंने मेरी अकेडमी में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जिसको आप कह सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। तो ये हो गया माय स्कूल। कोई दूसरा टॉपिक यदि हमको दिया जाता है बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, हम विद इन 2-3 मिनट्स कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, सपोज आपको दिया माय फैमिली, तो आप लिख सकते हैं माय फैमिली, पहला इन माय फैमिली, इन माय फैमिली मेंबर्स आर देयर, जितने मेंबर्स हैं आप लिख सकते हैं, है ना, इन माय फैमिली 3 मेंबर्स आर देयर, 4 मेंबर्स आर देयर, 6 मेंबर्स आर देयर, दोज़ वर लिविंग टुगेदर, राइट। फिर आप लिख सकते हैं माय फादर इज बैंक पर्सन, ओके, टीचर, अ बिजनेसमैन, माय मदर इज हाउस होल्ड लेडी और शी इज आल्सो वर्किंग लेडी, या ये तो सकता है घर में काम करेगी हाउस होल्ड लेडी, या बाहर काम, बाहर भी काम करती तो वर्किंग लेडी, ओके। आई लव माय सिस्टर और आई लव माय ब्रदर, आई टेक केयर, अभी आपने पढ़ा ना थॉटफुल सन, हम क्या पढ़ रहे हैं थॉटफुल सन, थॉटफुल सन मतलब अ चाइल्ड हु केयर्स फैमिली पेरेंट्स, सो आप ये बता सकते हैं आई लव माय फैमिली, आई लव माय ब्रदर सिस्टर, टेक केयर देम, नो वन इज देयर एट माई होम, जब मेरे घर में कोई नहीं रहता तो मैं अपने भाई बहनों का ध्यान रखता हूँ, राइट, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखता हूँ, अपनी भी पढ़ाई करता हूँ, आई एम ऑल्सो स्टडी, तो बड़ी सिंपल वे में आप आपकी बात लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं बार बार आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपके पास वर्ड जो है ना, वर्ड का सिलेक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि आप जब लिखें तो सामने वाले को पढ़ने में मजा आए, करेक्ट, चाइल्ड हैज रिटन वेरी नाइसली, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने कुछ लिखा है। तो हमने आज पंक्चुएशन कर लिया, पैराग्राफ कर लिया, अब हमारा टेरोज वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो खत्म हो जाता है। अब हमको जो सेकंड चैप्टर है, अब हम नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे, वो है हमारा अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड, अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड, मैं इसका थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, ग्रेन मतलब आपको याद होगा जो भी हम अनाज उत्पादित करते हैं, अनाज उसको ग्रेन कहते हैं, जैसे आपने कहा गेहूं, चावल, वीट, राइस, मक्का, कॉर्न, बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट्स, ये सब अलग अलग प्रकार के अन्न हैं जो हम खाने में लेते हैं, उनको ग्रेन कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेन, अनाज को हम ग्रेन कहते हैं। अब आप किसी भी बोलना इज ग्रेन ग्रोसरी बिजनेस, ग्रेन बिजनेस, इसका मतलब
उसका अनाज का व्यापार होगा, वो गेहूं चावल दाल मक्का ज्वार बाजरा रागी खरीदता है और बेचता है। तो अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना, अ लिटिल मीन्स थोड़ा, ग्रेन मीन्स अनाज, सोने का अनाज, थोड़ा सा सोने का अनाज। तो इसकी क्या स्टोरी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वेबिनार वी विल कंप्लीट। थैंक यू।